बड़ी खबर आपको बता दें, पीएफआई सदस्य अतिकुर रहमान की जमानत अर्जी पर आज सुनवाई होगी। तो शुक्रवार को जमानत की अर्जी लगाई गई थी। हाथरस में दंगे फैलाने की साजिश में जेल में बंद है अतिकुर रहमान। पीएफआई का सदस्य अतिकुर रहमान को जमानत अर्जी पर 6 नवंबर को सुनवाई होनी थी, तो आज इस मामले में सुनवाई होगी। बता दें कि अतिकुर रहमान के अधिवक्ता के जिला जज की अदालत में जमानत की अर्जी को लगाया था। हाथरस में दंगे फैलाने की साजिश के आरोप में जेल में बंद है अतिकुर रहमान। तो जमानत अर्जी जिला जज की अदालत में ये लगाई गई है। तो शुक्रवार को यानी आज इस मामले में सुनवाई होगी। ये अर्जी अतिकुर रहमान के अधिवक्ता मधुबन दत्त चतुर्वेदी द्वारा लगाई गई। और मातुल हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। मातुल, कहीं ना कहीं साजिश के तार यहाँ पर अतिकुर रहमान पर नजर आ रहे थे और इसी के बाद कार्रवाई की गई, लेकिन अभी जमानत अर्जी पर यहाँ लगाई गई है और आज इस पर सुनवाई। क्या अभी चीजें समझ में आ रही है और जिस तरह के आरोप लगे हैं अतिकुर रहमान पर, उसके तहत क्या मुमकिन कि आज जो अर्जी लगाई गई है जमानत की, वो मिल पाए? जी, मैं आपको बता दूं, जमानत की अर्जी मिलना आज मुश्किल लग रहा है, क्योंकि एसटीएफ ने इनकी रिमांड ले रखी है। अब कोर्ट ने 4 तारीख को एसटी आपको दूसरे के लिए इन चारों आरोपियों की रिमांड दे देगी, जिससे पूछताछ में और तक के सामने आ चुके हैं। एसटीएफ आज शाम आखिर तक इनको रिमांड में लेगी, रिमांड में लेकर इनसे पूछताछ करेगी और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसको फिर पेश करेगी अदालत में, उसके बाद इनकी जमानत की अर्जी पर सुनवाई पाएगी। मैं आपको बता दूं, ये चारों पीएफआई के सदस्य हैं जो 5 अक्टूबर को हाथरस से जाते इनका फैलाने के आरोप में गिरफ्तार हुए थे। मथुरा के मार थाने पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया था, इनसे आपत्तिजनक तथ्य मिले थे, इसी आधार पर पुलिस ने केस दर्ज किया था, लेकिन मामला एसटीएफ के हाथों में चला गया तो एसटीएफ ने इसकी जाँच शुरू कर दी। उसके बाद लगातार इनकी जमानत अर्जी पर दाखिल हो रही है कोर्ट में, लेकिन एसटीएफ की रिमांड मिलने के बाद कुछ तथ्य सामने आने के पूरे आसार हैं। तो आज शाम तक एसटीएफ की पूछताछ चलेगी, उसके बाद हो सकता है इनको जमानत मिल सके। जी चलिए, धन्यवाद आपका मातुल हमारे साथ जुड़ने के लिए।